फ्रेंड्स, टुडेज क्वेश्चन इज फाइंड एनी टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 5/3। तो दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें 1/4 और 5/3 के बीच में। तो 1/4 एंड 5/3 के बीच में, तो सबसे पहले आपको जो ये बेस है दोनों के, डिनोमिनेटर है, ये सेम बनाने होंगे। तो सेम बनाने के लिए आपको इसका एलसीएम पता होना चाहिए। तो एलसीएम आपको निकालना होगा साइड में 4 और 3 का। तो पहले 2 से करेंगे, तो 2 और 3, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा ये, एंड देन 3, एंड फिर 3 से करेंगे तो ये 1 1 आ जाएगा। यानी कि 2 2 जो 4 4 3 जो 12, तो 3 12 आता है इसका एलसीएम। तो आपको डिनोमिनेटर 12 बनाना है बोथ दोनों फ्रैक्शंस का। यानी कि 1/4 में अगर हम मल्टीप्लाई करें नीचे 3, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे हमारा कितना बन जाएगा 12, और ऊपर को हमें ध्यान नहीं देना है अभी। सो ये हो जाएगा हमारा 3। और अगर दूसरी साइड बात करें इसकी 5/3 की, तो इसका भी डिनोमिनेटर हमें 12 बनाना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ऊपर भी हमें 4 ही मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो वापस से 5/3 आ जाएगा, इसलिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। सो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20/12। अब आपको दो डिनोमिनेटर फाइंड, दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आपको क्या करना है, तो 3 और 20 अपॉन 12 के बीच में आप नंबर्स ढूंढने हैं। तो कौन से नंबर्स होंगे, एक हो जाएगा हमारा 4/12, एक हो जाएगा हमारा 5/12। तो ये जो दो फ्रैक्शंस है हमारे, ये इन दोनों के बीच में होंगे। और ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, सो ये दोनों है हमारे 1/4 के, और ये है हमारा 5/3 के। तो इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर हमारे 4/12 एंड 5/12 होंगे, ठीक है। और भी निकल सकते हैं इसमें 6/12, यानी कि जो ऐसे फ्रैक्शंस जो इससे ग्रेटर है और इससे लेस देन है, ये सारे इसके बीच में आएंगे और इसके बीच में आएंगे, यानी कि 1/4 और 5/3 के बीच में आएंगे। अगर आप देखेंगे इसके बीच में हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सबसे पहले बेस के कॉमन सेम बनाना होगा। तो बेस सेम हो जाएगा, तो उसके बाद आप इससे ग्रेटर और इससे लेस देन वाले फ्रैक्शंस ढूंढ सकते हैं। तो ये होता है मेथड फाइंड करने का। होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।